15 अगस्त यानी कि आजादी का जश्न, यही वो दिन है जब साल 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। स्कूल कॉलेज के साथ ही ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बच्चे हों या फिर बड़े, इस दिन आजादी के जश्न में डूबे नजर आते हैं। 15 अगस्त पर अगर आप भी झंडा फहराने जा रहे हैं तो इसे लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं और तिरंगे का अपमान कर दिया तो जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ नियम। कटा फटा या फिर गंदा नहीं होना चाहिए तिरंगा। खादी, सूती या सिल्क का बना होना चाहिए तिरंगा। आयताकार आकार में झंडा होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 3:2। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडे को नहीं फहराया जा सकता। तिरंगा झंडा कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए। बिना सरकारी आदेश झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। फहराने वाले तिरंगे झंडे को पानी में नहीं डुबाया जा सकता। फहराने वाले झंडे पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तिरंगा ऐसी जगह पर फहराया जाए जहां से वो सभी को नजर आए। राष्ट्रीय ध्वज के बराबर कोई और झंडा नहीं फहराना चाहिए। उस झंडे को तिरंगे के नीचे जगह दी जानी चाहिए। ध्वजारोहण के बाद जब भी तिरंगे झंडे को उसके स्थान से हटाया जाता है तब भी कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। झंडे को अकेले में उसके स्थान से हटाया जाना चाहिए। इसके बाद उसको नियमों के तहत फोल्ड करके रखना चाहिए। किसी भी झंडे को उतारने के बाद किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर झंडा किसी तरह से कट या फिर फट जाए तो उसे अकेले में जाकर ही पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। बता दें कि अगर किसी को भी झंडे को नुकसान पहुंचाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई अगर झंडे को नुकसान पहुंचाने, मौखिक या फिर शाब्दिक रूप से इसका अपमान करता है तो उसे 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तिरंगे झंडे के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत नहीं है और ना ही किसी को सलामी देने के लिए तिरंगे को झुकाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए और धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाइए। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।